नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव दशांशु पांडे और आज हमारी चर्चा का विषय है हमारा परीक्षा की ओर प्रयास। हम जो है कक्षा 12वीं की भौतिकी के लिए मैं अभिनव दशांशु पांडे आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। इसके अलावा अभिप्सा की ओर से किए गए प्रयासों में आपको 10वीं और 12वीं बोर्ड की सभी विषयों पर तैयारी करवाने का हम लोगों ने बीड़ा उठा रखा है। अगर आप हमारे एप्लीकेशन में आते हैं तो एग्ज़ाम सीरीज मिशन 2023 के नाम से आपको यहां पर एक अलग सेगमेंट मिलेगा। ये सारे वीडियोस यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए। लेकिन यदि आप हमारे एप्लीकेशन में आते हैं तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एडिशनल कंटेंट, जैसे कि माइंड मैप, जैसे कि शॉर्ट नोट्स और वन टू वन मेंटरशिप। इसके अलावा यदि आप कक्षा 12वीं के बाद में अपने करियर को लेकर जो है थोड़े से भी चिंतित हैं तो चिंता मत कीजिए, अभिप्सा की टीम में आपको करियर गाइडेंस देने का भी प्रबंध करके रखा है। हम लोगों ने भूचुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं और इन चीज़ों के साथ साथ जो है आज हमारी चर्चा का विषय, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे भूचुंबकत्व के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में लगभग सभी को पता है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी को लगभग जो है चार परतों में जो है मतलब विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हम ऊपरी संरचना, यानी कि यहाँ पर हमको मिट्टी दिखाई देती है, हम यहाँ पर घर बना कर रहते हैं। ये जो है आपका ये जो है उसकी बाह्य सतह है। बाह्य सतह के बाद में जो है यहाँ पर जो है आपको चट्टानों की एक मोटी सी सतह दिखाई देती है जो कि सॉलिड है, जो कि जो है बिल्कुल ठोस है। और ठोस के बाद में हमको क्रोड नज़र आता है, और ये क्रोड भी दो तरीके से है, एक बाह्य क्रोड और एक अंतर क्रोड। और ये आंतरिक जो क्रोड है वह निकल, आयरन, एल्यूमिनियम, इस प्रकार की धातुओं से मिलकर बना है जो कि पिघली हुई अवस्था में है। अब क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो इसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट है वो भी लगातार घूम रहा होता है, और हमें पता है कि हर एक परमाणु के अंदर आवेश होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है घूमते हुए जितने भी आपको जो है निकिल, आयरन, कोबाल्ट दिखाई दे रहे हैं, उन सबके आवेश जो है वो लगातार घूम के एक विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, और उस विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे प्यारे पृथ्वी जो है असल में एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब हमें चुंबक की भांति व्यवहार करते हुए पृथ्वी के बारे में पता चल गया है तो अब हम क्या देखेंगे कि पृथ्वी के चुंबक को हम भूचुंबक कहेंगे और उसके कुछ तत्व हैं, इन तत्वों के बारे में कल्पना करिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पृथ्वी की जो है दो अक्ष हैं भाई, यहाँ पर जो है हमको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दिखाई देता है। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। जब भी हम एक चुंबक लटकाएंगे तो चुंबकीय सुई इस प्रकार से रुकेगी कि ये उत्तरी ध्रुव की ओर, ये दक्षिणी ध्रुव की ओर हमेशा इसी दिशा में आकर लटक जाएगी। इस प्रकार से अगर हम सोचें तो वास्तविक चुंबक जो है पृथ्वी के अंदर वह उल्टा रखा हुआ है, और यहाँ हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पृथ्वी चुंबक का दिखाई देगा। इसीलिए हमारी चुंबकीय सुई जो है यहाँ पर उत्तरी वाली सुई और यहाँ पर दक्षिणी वाली सुई आकर रुकती है। अब हमको जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जाननी है। पहली क्या है कि भाई भौगोलिक अक्ष किसे कहेंगे? तो भौगोलिक अक्ष पृथ्वी जो है उसको यदि हम चुंबक ना माने तो पृथ्वी का अपना एक भौगोलिक अक्ष होगा, यहाँ पर उत्तरी अक्ष और यहाँ पर दक्षिणी अक्ष। और ये जो है क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम अक्ष कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और इन दोनों को मिलाने वाली एक भौगोलिक रेखा है जिसको हम भौगोलिक अक्ष कहेंगे। इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है तो इस चुंबक के कारण भी जो है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक और रेखा होगी जिसे हम क्या कहेंगे, इसे हम चुंबकीय अक्ष कहेंगे। और इन दोनों के बीच में एक कोण का को एक नियत कोण का अंतर है। फिर हम जो है याम्योत्तर के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने क्या बातें की थी, हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चुंबक में यहां देखिए, हाँ हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चुंबक में जो है हमको याम्योत्तर के बारे में जो है हम लोगों ने बातें की थी। हम लोगों ने देखा था कि चुंबकीय अक्ष को मिलाने वाली जो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, और चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला कोई सा भी जो है सतह, यानी कि चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले किसी प्लेन को हम जो है चुंबकीय याम्योत्तर कह सकते हैं।
तो उसी तरीके से अब हम जो है यहाँ देखेंगे तो पृथ्वी में हमको क्या नज़र आता है, पृथ्वी में हमको नज़र आता है कि हम लोगों को यहाँ पर जो है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव दिखाई दे दिया। हम लोगों ने एक काल्पनिक रेखा बनाई और ये काल्पनिक रेखा जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, जिसे हम भौगोलिक अक्ष बोल सकते हैं। इस भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला कोई सा भी प्लेन, उसे हम जो है भौगोलिक यामयोत्तर कह सकते हैं। ये भौगोलिक यामयोत्तर पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाली रेखा है। मान लेते हैं कि आपकी ओर जो है उत्तर दिशा है और मेरी पीठ की ओर दक्षिण दिशा है, तो मैं जो है अभी जिस रेखा के ऊपर खड़ा हूँ वह भौगोलिक अक्ष है, और इस भौगोलिक अक्ष से यदि मैं एक दीवार बना दूँ तो वह एक ऐसी सतह या एक ऐसा प्लेन हो जाएगा जिसे मैं भौगोलिक यामयोत्तर कह सकता हूँ। इसके बाद में जो है भौगोलिक निरक्ष किसे कहते हैं, तो भैया जो यहाँ पर जो है हम लोगों को भौगोलिक अक्ष दिखाई दिया और यहीं पर हमको एक यामयोत्तर भी दिखाई दिया था। अब जो है यामयोत्तर के 90 अंश बनाते हुए जो है हम जो विषुवत रेखा है यानी कि भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो है होकर गुजरने वाला जो अहम अक्ष देखेंगे उसे हम भौगोलिक निरक्ष या फिर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा कह सकते हैं। ये बात हमको समझ में आई। अब यही सारी चीज़ें जो है हमको पृथ्वी के चुंबक के हिसाब से भी जाननी है, तो भैया पृथ्वी का जो है पृथ्वी के अंदर घूमता हुआ लावा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे हम एक काल्पनिक चुंबक की कल्पना कर सकते हैं। उस काल्पनिक चुंबक का जो है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होगा और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होगा। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को हम क्या बोलेंगे, इस रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहेंगे। भू चुंबकीय ध्रुव और भू चुंबकीय अक्ष के बारे में आपको समझ में आया। अब जो है भू चुंबकीय अक्ष भी समझ में आ गया, तो अब अगली बात क्या होगी, यामयोत्तर भू चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला एक समतल, उसे हम जो है चुंबकीय यामयोत्तर कहेंगे, और चुंबकीय यामयोत्तर आपको इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, अब चुंबकीय यामयोत्तर समझ में आ गया। चुंबकीय निरक्ष क्या होगा, जिस तरीके से पृथ्वी का भूमध्य रेखा है उसी तरीके से पृथ्वी के अक्ष में जो है, देखिए यहाँ पर जो है ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा हो गई और ये पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से जो है गुजरने वाला जो निरक्ष है वो वाली रेखा हो गई। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, वही कोण जो इनके अक्षों के बीच में है, थीटा, और इसको जो है हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भू चुंबकीय निरक्ष। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, अभी हम लोगों ने जाना भौगोलिक चुंबक और पृथ्वी के जो है अलग अलग हिस्सों के बारे में जाना। अब इससे जुड़े हुए जो है आंकिक प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं या इससे जुड़ी हुई जो गणनाएं हैं वो क्या हो सकती हैं, ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और एग्जाम सीरीज 2023 का आनंद उठाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।